छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना का पर्व छठ पर्व आज समापन हो गया है। 36 घंटे की लंबे व्रत के बाद इस पर्व का आज समापन हुआ है और देखेंगे तो मेरे पीछे तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्यदेव की उपासना कर रही हैं। जैसे ही सूर्यदेव की किरणें इन लोगों को नज़र आई वैसे ही सूर्यदेव की उपासना का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जो महिलाएँ आपको नज़र आ रही हैं पिछले 1.5 घंटे से इसी जो तालाब बनाया गया था यहाँ पर पानी में खड़ी हुई हैं और भगवान सूर्य के उगने का इंतजार कर रही थी। पिछले 36 घंटों से निर्जल होकर इन महिलाओं ने व्रत रखा था। समृद्ध सुख समृद्धि और निरोग्य रहे संसार और परिवार खुश रहे उसके लिए ये व्रत रखा जाता है और एक प्रकृति का भी बड़ा मैसेज इस पर्व के माध्यम से जाता है। और आप देखेंगे तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से जो केले होते हैं और जो केले का पौधा होता है जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, गन्ने होते हैं जो प्रकृति का एक संदेश देता है, उसको आप यहाँ देखेंगे नजर आएंगे आपको। खूबसूरत तरीके से तमाम लोग जो हैं भगवान भास्कर की आराधना कर रहे थे, छठी मैया की पूजा कर रहे थे और वो वक्त अब खत्म हो गया है। और देखिए तमाम जो महिलाएं हैं जिन्होंने 36 घंटे निर्जल होकर ये व्रत रखा था वो गंगा अब स्नान करके पानी में और व्रत अपना खोलने जाएंगी। एक हमारे साथ एक है, आप बताइए कितना लंबा व्रत रखा गया था, कैसे ये पूरा किया गया? ये 24 घंटा हो गया है, 24 घंटे में व्रत रखे हैं और भूखे प्यासे हैं और अब जैसे सूर्य देव उदय हो गया है उस टाइम से अब इन लोग के व्रत खत्म हो गया है। आपके परिवार से किसने व्रत रखा था? मेरे परिवार से 2 रखे हैं, दोनों बहुत अच्छे से हैं और ठीक ठाक है और बाकी बात ये पर्व आज मेरे खत्म हो गया है। क्या विशेष किया आपने इस बार पूजा के लिए, सूर्य की पूजा के लिए, माँ छठी मैया की पूजा के लिए क्या क्या सामान लेके आए थे, क्या किया आपने? केला होते हैं, ठकुआ होते हैं और अदरक और नींबू, फल फ्रूट जितने होते हैं वो सब रहते हैं और सूर्य महाराज के चढ़ावा चढ़ते हैं और उनके चक्र से सब रहते हैं। देखिए इनके परिवार से 2 महिलाओं ने छठी मैया का व्रत रखा था और वो व्रत अब पूरी तरह से संपन्न हो गया है। अब छठी मैया का जिन महिलाओं ने व्रत रखा था वो अब सूर्य की आराधना के बाद, माँ छठी मैया की पूजा के बाद अपना व्रत खोल देंगी और जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद अब वो ग्रहण करेंगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। क्योंकि पिछले 36 घंटों से ये व्रत रखा गया था और निर्जल होकर जो महिलाएँ 36 घंटों से व्रत रखती हैं वो इस तरह से सुबह लगभग 5 बजे से इस जो पोखर बनाया गया पानी इसमें भगवान जो सूर्यदेव हैं उनकी आराधना के लिए खड़ी हुई थी और वो आराधना उन्होंने अब खत्म कर दी है और व्रत को संपन्न कर दिया गया था। आप देख रहे हैं तो तमाम जो महिलाएं हैं पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी पानी में वो अब यहाँ से निकल कर जा रही हैं और अब प्रसाद ग्रहण करेंगी। व्रत का जो सिलसिला है, छठी मैया का जो पर्व है, ये अब समापन की ओर है, वो समाप्त कर दिया गया था। अब छठी मैया से जो भी उन्होंने आराधना की है परिवार की सुख समृद्धि के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए, वो उसको उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस सूर्यदेव की जो छठा है वो आपको नज़र आ रही है किस तरह से अब संसार में फैलने लगी है, उसी की आराधना के लिए यह पर्व रखा गया था। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।